करण जौहर के प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की स्टार कास्ट को लेकर कई दिनों से असमंजस का माहौल था। हाल ही में करण जौहर ने फिल्म के स्टार कास्ट के लुक पोस्टर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं। हालांकि इस ट्वीट के चलते वो फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। करण ने ट्वीट कर लिखा कि इन सितारों का स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एडमिशन हुआ है। इसके साथ उन्होंने फिल्म स्टार्स के कुछ लुक पोस्टर्स भी अपनी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर डाली है। फिल्म में लीड एक्ट्रेस में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आएंगी। कई सारे लोगों को फिल्म का ये पोस्टर पसंद आ रहा है, पर कुछ लोगों ने फिर से करण को नेपोटिज्म का निशाना बनाया। किसी ने कहा है कि कई सारे प्रतिभाशाली युवा कलाकार के होते हुए भी फिल्म में जिम जाने वाले स्टार किड्स को रख लिया जाता है। करण ने अनन्या के लुक पोस्टर पर उनका पूरा नाम नहीं लिखा था। इस पर एक शख्स ने करण को घेरा और नेपोटिज्म फैक्ट्री करार दिया। एक शख्स ने उन्हें नेपोटिज्म का बाप कहकर बुलाया। आपको बता दें कि इससे पहले भी नेपोटिज्म को लेकर अपने बयान पर करण सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं। फिल्म की बात करें तो फिल्म का निर्देशन पुनीत मल्होत्रा ने किया है। फिल्म के पहले भाग ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा अभिनय किया था और इस फिल्म से डेब्यू करने वाले कलाकार वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट ने लोकप्रियता हासिल की और बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाया।